ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मेरे एक वीडियो है, एक क्या दो वीडियो है। जब मैं ये पीसी बाय किया था, इसके जो रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। और ये पीसी मैंने खरीदा था फिल्मोरा को नजर में रखते हुए, बहुत ही बढ़िया तरीके से एडिट कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे जो लैपटॉप है वहाँ पर दिक्कत होते है, फिल्मोरा 12 अच्छे ढंग से काम नहीं करते, कभी कभी सॉफ्टवेयर ओपन ही नहीं होते। तो पीसी रिक्वायरमेंट के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एक साल पहले 12 के ऊपर। अभी तो 14th आए है, सॉफ्टवेयर और भी ज्यादा हेवी हो गया है। लैपटॉप के ऊपर एक वीडियो है लो बजट में, बहुत सारे लैपटॉप मैंने सजेस्ट भी किया था वीडियो में, जिस लैपटॉप पर आप आसानी से फिल्मोरा 13 सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते, वीडियो एडिट कर सकते हो, कोई भी लैग वगैरह नहीं करेंगे, वीडियो रेंडर होने में टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि वहां पर मैंने खास करके जो ग्राफिक कार्ड उनके ऊपर ध्यान दिया था। क्यों, मेरा पिछले वीडियो देख ले, हाउ टू एक्सपोर्ट 4K वीडियो इन फिल्मोरा 14। अभी फिल्मोरा के एक्सपोर्टिंग के अंदर जो फीचर है वहां पर GPU सिस्टम का एक बटन दे दिया गया, उसे आप ऑन ऑफ कर सकते, मतलब एक वीडियो एडिटिंग में, वीडियो रेंडर करने में, वीडियो को एक्सपोर्ट करने में ग्राफिक कार्ड का कितना बढ़िया एंगेजमेंट है, कितना बढ़िया इन्वॉल्वमेंट है, इससे पता चलता है। इसे आप ऑफ करके वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखना कितना टाइम लग रहा है, और इसे ऑन करके वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखना कितना टाइम लग रहा है, लॉन्ग वीडियो 4K वीडियो को एक्सपोर्ट करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन बिल्ड हमारे पीसी में या फिर लैपटॉप में कुछ ग्राफिक कार्ड होते हैं, उसी से छोटा मोटा काम हो जाते हैं। लेकिन बड़ा काम करने के लिए एक बढ़िया ग्राफिक कार्ड चाहिए, इसीलिए आज इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे पीसी के बारे में, क्या क्या पीसी रिक्वायरमेंट चाहिए, विंडोज, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई, रैम, प्रोसेसर, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि फिल्मोरा साइट पर या फिर जो अमेज़न साइट पर फिल्मोरा बिक रहा है वहाँ पर कुछ पीसी के लिए रिक्वायरमेंट दे के रखे हैं, बोलो पहले वो चेक करेंगे, उसके साथ क्या एक्चुअली आपको लेना है कंपेयर करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, उस वक्त तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो देखिए मेरे यहाँ पर वही पेज है जिस पेज से आप अमेज़न से फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते, वही सेलर है सॉफ्टी, उन्हीं के पेज मैंने ओपन करके रखे है। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं सारे फीचर्स, यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स है फिल्मोरा 14 के, आप ये सारे कुछ रीड कर सकते हो। अभी ये लोग 13 बेच रहा है क्यों मुझे पता नहीं, इसे अपडेट नहीं किया, 14 आ चुके हैं, लेकिन आपको 14 ही मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जहाँ से आप चेक कर सकते हो फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर के लिए किस तरह के पीसी आपके पास होना चाहिए, पीसी रिक्वायरमेंट क्या, बेस्ट पीसी इन फिल्मोरा 14 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखिए इन लोगों का जो कहना है, विंडोज 11 एंड बिलो, अभी आपको 2024 में या तो 11 यूज करना है या फिर मिनिमम 10 आपके पास होना ही चाहिए, उसके नीचे जितने सारे वर्सन है वो अपडेट नहीं हो रहा, कभी भी बंद हो सकते हैं। मेरा जो ये है ये 10 है, मैं जब चाहूँ इसे 11 में अपग्रेड कर सकता। नंबर 2 इंटेल i3 प्रोसेसर, इनका जो कहना है 6th जेनरेशन, मैं शॉर्ट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ। रैम इन लोगों का कहना है 4GB रैम आपको चाहिए, 8GB रिक्वायर्ड फॉर HD एंड 4K वीडियोस, मतलब मिनिमम 4GB रैम आपके पीसी में लैपटॉप में होना चाहिए। अगर आप HD या फिर 4K वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके पीसी में मिनिमम 8GB रैम होना चाहिए। यहीं पर बहुत सारे गलती कर देते, पहले इनका पढ़ देता, उसके बाद मैं मेरी जो राय है आप लोगों को बताने वाला। GPU सबसे एसेंशियल, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है एक अच्छे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, रेंडरिंग के लिए। ये जो GPU एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड, तभी आप वीडियो को अच्छे तरीके से एनकोड कर पाओगे, रेंडर कर पाओगे। इंटेल HD ग्राफिक 5000 और लेटर, NVIDIA GeForce GTX 700 और लेटर, AMD Ryzen R5 और लेटर, प्लीज कीप योर ग्राफिक ड्राइवर, आपके जो ग्राफिक्स ड्राइवर है उसे अपडेट करने के लिए कह रहा है। और 10GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस, मतलब मिनिमम 10GB SSD आपके पास होना चाहिए ओनली फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, चलाने के लिए, अच्छे ढंग से वीडियो को एडिट करने के लिए। इनका जो कहना है अभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इसके साथ मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ ध्यान से सुनिए। विंडोज 10 आपके पास होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए,
मिनिमम 3 होना ही चाहिए, उसके नीचे नहीं तो अच्छे ढंग से आप काम नहीं कर पाओ। इनका कहना है बिलो मतलब 7 भी हो सकते हैं, मेरे पास तो लैपटॉप में 7 है, चल नहीं रहा, 12 ही अच्छे ढंग से चल नहीं रहा। इनका कहना है इंटेल i3 प्रोसेसर जो मेरे लैपटॉप में है चल नहीं रहा, 6th generation जो मेरे लैपटॉप है i3 प्रोसेसर 6th generation इंटेल का ही है, HP पेवेलियन G6 मेरे जो लैपटॉप पुराना वाला यही प्रोसेसर यही जेनरेशन है, बट वहाँ पर फिल्मोरा 12 अच्छे ढंग से चल नहीं रहा था, 13 तो कभी कभी ओपन ही नहीं होता। तो यहाँ पर आपको चाहिए मिनिमम इंटेल का i5 मिनिमम, और ये जो जेनरेशन ये कह रहा है ये मिनिमम 10th generation होना चाहिए, 6 नहीं चलेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर पर आप अच्छे ढंग से काम ही नहीं कर पाओगे, मतलब यहाँ पर i5 होना चाहिए, यहाँ पर मिनिमम 10th generation होना चाहिए, उसके ऊपर होंगे तो बेटर है। मेरा 12 है i5 है 12th generation मेरा ये जो PC, रैम 4GB मेरा जो लैपटॉप है यही है 4GB रैम, नहीं चलेंगे भाई, मिनिमम 8GB ये लोग कह रहा है, मिनिमम 4GB नहीं चलेंगे, मिनिमम 8GB रैम होना चाहिए। अगर आप 4K या फिर HD वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 16GB, डबल, ये जो 4 मैंने आपको बताया 8 और ये जो 8 मैंने आपको बताया 16, मेरा जो है दो 16GB का स्टिक मेरा यहाँ पर लगाया हुआ है, 32GB है मेरे PC में, 64GB तक मैं रैम ऐड कर सकता हूँ, 4 स्टिक। अभी GPU इंटेल HD ग्राफिक 5000, ये कभी कभी इंटेल में इनबिल्ट मिल जाते हैं, राइजन में भी मिलते हैं, लेकिन ये जो ग्राफिक्स कार्ड ये लोग बता रहा है इसमें आपके वीडियो अच्छे ढंग से इनकोडिंग नहीं होंगे, रेंडरिंग नहीं होंगे, एक्सपोर्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 4K या फिर फुल HD वीडियो अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपका दिमाग घूम जाएंगे, 4K वीडियो एक्सपोर्ट होने में ये ग्राफिक्स कार्ड में 4 आवर्स निकल जाएंगे, अगर 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स, बढ़िया लॉन्ग वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है तो 2 आवर्स लग जाएंगे, तब भी नहीं हो पाएंगे कभी कभी। ये मिनिमम बताया गया है NVIDIA GeForce EX 700, मतलब अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड ऐड कर रहे हो अपने PC में तो ये जो बता रहा है ना ये लोग, एक भी मत लीजिए, फंस जाओ, ये भी नहीं AMD Ryzen R5 ये भी नहीं, मेरा भी NVIDIA का है GeForce का, लेकिन इतना लो बजट का नहीं है, मेरा जो ये ग्राफिक्स कार्ड दिख रहे हो ना, ये ग्राफिक्स कार्ड मैंने जब बाई किया था 37,000 एक ग्राफिक्स कार्ड, कलरफुल का है ये, इनका जो मॉडल है ना वो मैं भूल चुका, मेरा पुराना वीडियो है वहाँ पर सारे डिटेल्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा इस PC के ऊपर जो वीडियो है ना उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके एक बार चेक कर लेना क्या क्या है सब कुछ डिटेल्स, दो वीडियो है, मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, जाके एक बार चेक कर लेना। थोड़ा अपग्रेड है, आप इससे थोड़ा लो ले सकते हो, जैसे कि मेरा 32GB है आप 16GB में काम चला सकते हो, और इस तरीके का एक टॉप कूलर जरूर लगाना, ये सिंगल है आप डबल भी लगा सकते हो अगर आप PC बाई कर रहे हो। और एक चीज, आपके जो ये जो पावर सप्लाई मिनिमम 650 का होना चाहिए, देखिए 550 का भी चल जाएगा लेकिन 650 होंगे तो ज्यादा बेटर है। और ये कह रहा है 10GB SSD, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप नए PC बिल्ड कर रहे हो तो आप 256GB का एक SSD सी ड्राइव में ऐड कर लो, और बाकी 1TB आप 500-500 करके डी और ई ड्राइव में ऐड कर लो, 1TB एक हार्ड डिस्क, बाकी सारे डिटेल्स आपको मेरे उस वीडियो में मिल जाएंगे, दोनों वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाके एक बार चेक कर ले, और लैपटॉप वाला जो वीडियो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, बेस्ट लैपटॉप इन फिल्मोरा 13 लो बजट के जितने सारे लैपटॉप है उसका मैं एक वीडियो बना के अपलोड करके रखा हूँ मेरे चैनल पर, लेटेस्ट क्या क्या आए हैं, नए क्या चल रहा है, अगर उसके ऊपर आप लोग कोई भी वीडियो चाहते हो, लैपटॉप के ऊपर एक वीडियो बना दो या फिर इसी के ऊपर और एक डिटेल्स वीडियो बना दो, कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा जरूर, थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो अभी इसे काट करते हैं, कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, ओके क्लियर। इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में, PC आपके पास ऑलरेडी है जिस पर आप काम कर रहे हो उस पर आप फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर चला सकते हो या फिर नहीं, आपके पास एक लैपटॉप ऑलरेडी है उस पर ये फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर चलेंगे या फिर नहीं, ये हम डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, या तो आप इंस्टाग्राम पर मॉडल नंबर भेज दीजिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके पास, PC है या फिर लैपटॉप है, डिटेल्स भेज दीजिए, टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, मैं चेक करके आपको बता दूंगा।
कि आप इस रिक्वायरमेंट में इस पीसी में लैपटॉप में फिल्मोरा 14 सॉफ्टवेयर चला सकते हो या फिर नहीं। तो आज के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय, जय।